खराब किस्मत कहें या फिर हमारा गुस्सा, हम में से कई लोगों का गुस्सा इतना तेज होता है कि वे गुस्से में अपना फोन भी कहीं भी मार देते हैं, या फिर हमारे घर पर हमारा फोन इधर उधर फेंक देते हैं। अब ऐसे में हमारे फोन की हालत कुछ इस तरह की, यानी कि ब्रोकन स्क्रीन जैसी हो जाती है। तो अपने उस पुराने फोन को चेंज करके आप एक ऐसा फोन परचेज करना चाहते हैं जो कि फोन भी अच्छा हो और आपका कम बजट में भी हो, तो आपका काम इस वीडियो को लास्ट तक देखने में हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप 5 ऐसे स्मार्टफोन देखने वाले हैं जिन्हें कि आप 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर परचेज कर पाए। दोस्तों देखा जाए तो फोन तो आपको एक ही लेना है, लेकिन 5 स्मार्टफोन इसलिए क्योंकि एक तो हर बंदे को अपने लिए एक अलग स्मार्टफोन चाहिए होता है, किसी को बड़ी बैटरी तो किसी को अच्छा स्मार्ट। इसलिए इस वीडियो में जिसकी जैसी नीड है मैंने उसके अकॉर्डिंग वैसा स्मार्टफोन डाल। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। बट दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्लेमर दे दूं कि सभी मोबाइल की जो प्राइस है वो हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो कभी इनकी प्राइस बढ़ जाएगी तो कभी घट जाएगी। तो फिलहाल मैं जो इनकी प्राइस में इंक्लूड कर रहा हूँ इनकी करंट प्राइस। गाइस वीडियो की स्टार्टिंग होगी Realme 30A से। दोस्तों ये फोन अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है और इस फोन में आपको कम प्राइस में ज्यादा स्पेसिफिकेशन तो नहीं बट अच्छा सा प्रोसेसर जरूर मिल जाएगा। इस फोन में इन्होंने 6.5 इंच के HD प्लस स्क्रीन दे रखा है। खैर इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन तो कोई खास है नहीं, और बैटरी की बात है तो इसमें 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, तो इसे एक बार चार्ज कर लेने के बाद काफी लंबे टाइम तक यूज में लिया जा सकता है। बात करें इसके प्रोसेसर की तो इसमें लगा हुआ MediaTek का Helio G85 प्रोसेसर भी आपको मिलेगा, तो बैटरी भी बड़ी और प्रोसेसर भी अच्छा है, तो गेमिंग तो अच्छी खासी आप इससे कर ही सकते हैं। साथ ही बात करें इसके कैमरे मॉड्यूल की, इसमें 13 MP प्लस 2 MP का डुअल कैमरा सेटअप आपको बैक में मिलेगा, जबकि फ्रंट में 8 MP का कैमरा आपको दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की, तो इसमें 4 GB की रैम और 64 GB का स्टोरेज है और ये आपको सिर्फ 10,000 रुपए में ही मिल जाएगा। नंबर 5 टेक्नो बोवा। अगर आपको गेम खेलने में कोई खास मजा आता नहीं है या फिर आप सिर्फ और सिर्फ मूवी से शौकीन हैं और आपको अपने फोन पर वीडियो देखना ज्यादा पसंद है, तो इस फोन में आपको 6.8 इंचेस की बड़ी सी HD प्लस स्क्रीन मिलने वाली है। बट रियलमी की तरह इसमें भी स्क्रीन का रेजोल्यूशन कम है, इसलिए इसका व्यूइंग एक्सपीरियंस इतना कुछ खास नहीं होगा, बट एक्सेप्टेबल तो ये रहेगा। इसी के साथ इसमें 4 GB की रैम और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है जो 6+128 GB के वेरियंट के साथ है और 12,000 का। कैमरा सेटअप तो इसमें 16+2+2 विद NAI लेंस के क्वाड कैमरा बैक में है और 1 MP का फ्रंट कैमरा आपको इसमें मिल जाएगा। वही बात करें इसमें प्रोसेसर की, तो MediaTek का Helio G80 प्रोसेसर आपको मिलेगा जो कि देखा जाए तो G85 से थोड़ा सा हल्का। एट लास्ट बात करते हैं इसकी बैटरी की, तो इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिल जाएगी और प्रोसेसर और बैटरी दोनों इसके अच्छे हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में आप इसे परचेज कर पाएंगे। अगर बड़ी बैटरी चाहिए और बड़ा डिस्प्ले चाहिए तो आपकी ऑनलाइन क्लासेस और YouTube जैसी एप्लीकेशन चल जाए तो थोड़ा बहुत गेम भी आप खेल सकते हैं, तो ये भी एक बेस्ट स्मार्टफोन है। नंबर 4 मोटो G9 पावर। दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके सबसे बड़े फीचर की, तो इसमें 6.7 इंच का स्क्रीन HD प्लस डिस्प्ले के साथ दे रहा है जो कि मेरे हिसाब से फुल HD प्लस होता तो थोड़ा सा और अच्छा हो सकता। साथ ही इसमें आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, 20W की फास्ट चार्जिंग भी ये सपोर्ट कर लेता है। इसके अलावा Realme ट्रिपल कैमरा सेंसर जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 2 MP का मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि फ्रंट में 16 MP का साइड पंच होल सेल्फी कैमरा दिया है। बट इसमें लगे स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर के साथ गेमिंग तो अच्छी हो जाएगी, लेकिन इससे अच्छे प्रोसेसर वाले फोन भी हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो 662 एक अच्छा प्रोसेसर है बट MediaTek के G80 और G85 से बेटर है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। सो गेम तो अच्छा होगा लेकिन उतना भी ज्यादा अच्छा है। दोस्तों एग्जैक्ट सेम स्पेसिफिकेशन Realme 7i में भी देखने को मिल जाते हैं जिसमें HD प्लस स्क्रीन, 662 का प्रोसेसर भी मिलता है, 64 का प्राइमरी और 16 का फ्रंट कैमरा भी मिलता है, सब कुछ मिल जाएगा, बस इसकी स्क्रीन मोटो से थोड़ी सी बेटर है और जबकि बैटरी और चार्जिंग सपोर्ट भी कम है। अदरवाइज आपके लिए ये बेस्ट साइज हो सकता है। प्राइस तो मोटो और 7i दोनों का ही सेम है यानी कि 12,000 रुपए, लेकिन हाँ जो इसका क्लीन यूजर इंटरफेस है वो आपको मोटोरोला में देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें स्टॉक एंड्रॉइड दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं Realme Narzo 20 के पास में। MediaTek Helio G85 प्रोसेसर के साथ आने वाला ये स्मार्टफोन इस लिस्ट में सबसे ज्यादा बैलेंस फीचर और प्राइस दोनों का एक कंप्लीट पैकेज। इसमें आपको 4+64 और 4+128 GB वाले दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं। और रही बात कैमरे की, तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया हुआ है जिसमें 48 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP का कैमरा है। साथ ही फ्रंट में सेल्फी लेने के लिए इसमें 8 MP का कैमरा, इसके अंदर आपको 6.52 इंचेस की IPS HD प्लस LCD डिस्प्ले भी दी गई। और रही बात इसकी बैटरी बैकअप की, तो इसके बाकी फोन की तरह इसमें 6000 mAh की बैटरी भी लगी हुई, तो दिन भर के लिए तो ये सफिशिएंट भी है। फिर गेमिंग के लिए ये शानदार फोन हो सकता है। नंबर 2 माइक्रोमैक्स इन नोट 1। तो सबसे पहले दोस्तों इस MediaTek Helio G85 का प्रोसेसर इस फोन में आएगा जिसे आप हेवी सॉफ्टवेयर और हेवी गेम्स दोनों ही खेल पाएंगे। वैसे प्रोसेसर आजकल इतने अच्छे हो चुके हैं कि हैंग होने जैसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं। इसके अलावा बात करें इसके रैम और स्टोरेज की, तो इसमें 4+64 और 4+128 GB के दो वेरिएंट मिल जाएंगे। 6.67 इंच की बड़ी IPS फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले भी लगी है जो स्क्रीन पिछले फोन के कंपैरिजन में तो बेटर है। इसके बैक में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा जहां इसका मेन कैमरा सेंसर 48 MP का, वहीं इसमें 5 MP का अल्ट्रा वाइड
फ्रंट कैमरा सेंसर लगा है। 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ कैमरा सेंसर लगे हैं। इसके फ्रंट में सेल्फी के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर लगा हुआ है। सिक्योरिटी के लिए आपको इसमें बैक में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएंगे। साथ इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी लगी जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आई। साथ ही ये रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, तो ये एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन 10 पर काम करेगा। साथ ही आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसी क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस भी देगा, जो कि आजकल काफी कम ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की, तो 4+64GB वाला वेरियंट है 11,000 रुपए और 4+128GB वाला वेरियंट है 12,500 रुपए का। अगर आप 500 रुपए और बढ़ा सकते हैं तो आपका स्टोरेज ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे फाइनल फोन की तरफ। बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशन, तो इस लिस्ट में सबसे गुड लुकिंग जो फोन है वो यही है। वही रैम और स्टोरेज की इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल है, पहला है 6+64 और दूसरा है 6+128। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके दोनों वेरिएंट अंडर 12,000 रुपीज में अवेलेबल और दोनों में सिर्फ 1,000 रुपए का डिफरेंस। इसके अलावा इसमें भी बाकी फोन की तरह क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का एक चिपसेट देखने को मिलेगा। इसके रियर में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहां इसका मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का, वाइड कैमरा 2-2 मेगापिक्सल के साथ में है और मैक्रो डेप्थ कैमरा सेंसर भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का वाइड कैमरा सेंसर लगा हुआ है। 6000 mAh की बैटरी लगी जो कि 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और रिवर्स चार्जिंग को भी सपोर्ट कर ही लेता है। इसमें 6.53 इंच की IPS LCD डिस्प्ले लगी जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3D प्रोटेक्शन के साथ आती है। तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन और लुक को लेकर काफी अमेजिंग है और इस प्राइस पर ये काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ओवरऑल देखा जाए तो ये फोन तगड़ा है, लेकिन इसके स्पेसिफिकेशन Redmi 9 से काफी हद तक मिलते जुलते हैं, क्योंकि इसमें भी स्क्रीन साइज, बैटरी चार्जिंग सपोर्ट सब कुछ सेम है, लेकिन Redmi 9 पावर का 128GB वाला वेरिएंट 12,000 रुपए के भी ऊपर है, जबकि इसका 128GB वाला वेरिएंट आपको 12,000 रुपए में ही मिल जाए। सो गाइस, अब बात करें कंक्लूजन की, तो टेक्नो बोबा नाजो 30 में तभी रिकमेंड करूंगा जब आपका बजट कम हो और गुड लुकिंग फोन और अच्छे स्पेसिफिकेशन चाहिए तो पोको M3, रियलमी नाजो 20, रियलमी 7 आया और माइक्रोमैक्स, ये फोन बेटर भी है, बट पर्सनली मुझे अगर परचेस करना हो तो मैं पोको M3 को ही परचेस करूंगा। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में आपको लिखना है कि उस फोन का नाम जो फोन आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा लगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, खूब सारा दिल से शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल के साथ में प्रेस करके।